हेलो भाई, स्वागत है आप सबका यूवी सैनी की एक नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा नेक्सोन XE बेस वेरिएंट है और इसमें लगभग अराउंड 68,000 की एक्सेसरीज लगवा रखी है। तो हम ओनर से ही मिल लेते हैं, वो बताएंगे इस गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है। आइए कमल भाई, और बताओ कि फ्रंट से आपने क्या कुछ करवा रखा है इस गाड़ी में काम। दोस्तों, ये अपना बेस वेरिएंट है, इसमें जैसे ये देखते हैं कंपनी की तरफ से आता है, ठीक है। ग्रिल, ये जो DRL है, हाँ, ये कंपनी की तरफ से आता है। हाँ, हाँ। अपने सिर्फ फ्रंट में सिर्फ इसमें फॉग लैंप और LED लाइट चेंज करवाई है। अच्छा। अपने पास 6 LED लाइट लगी हैं, 2-3 तीन उधर है, 3 उधर है। जला के दिखा दो एक बार, जला के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, LED लाइट, हाँ, जल गई। कर दो बंद, ये बैटरी खाएगी और तो क्या है। तो सामने से आपने फोग लैंप लगवाए हैं LED और जो लाइट है, फोग लैंप LED लाइट, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी सब कंपनी की तरफ से आता है और बेस्ट चीज है कंपनी ने तो ये ओरिजिनल दे रखी है। उसके अलावा जो वाइपर होते हैं ये भी कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये आप अंदर की एसेसरीज देख रहे हो, अंदर की तो अंदर से बात कर लेंगे, ठीक है। अभी साइड प्रोफाइल में आ जाएं तो साइड में से सिर्फ अपने ये व्हील कवर लगवाए हैं। इसकी प्राइसिंग की बात बताओ, कितनी पड़ी आपको प्राइसिंग इनकी? इसका प्राइस है 500 रूपए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 500 रूपए हर। बाकी ये एक टाइप के ओरिजिनल है, इसमें कोई आप सोच रहे हो भाई ये मिट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और सामने आपने LED लाइट लगवाई, उसका प्राइस की और बात कर लेते हैं एक बार। और फोग लैंप का और प्राइस बताओ। अपने पास करेक्ट 10,000 रूपए का है, ठीक है। और फोग लैंप्स का 1,800 रूपए फोग लैंप के है, ठीक है। 7 LED मतलब सब इकट्ठा आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद साइड से आ जाएं तो ऊपर की बात करें तो ऊपर ये अपना रूफ रेल्स आ गए हैं, इसका प्राइस है 2,000 रूपए, ठीक है। और बढ़िया कंपनी के लगे हैं। अच्छा, अच्छा। और चिपकाए हुए हैं, कहीं आप ये सोच रहे हो भाई ड्रिल मशीन के साथ उसमें छेद किया, वो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चिपका रखी है, ठीक है। उसके बाद ये डोर गार्ड लगवाए हैं, डोर वाइजर आप जिसे कह सकते हो, हाँ, रेन वाइजर बढ़िया चिपका रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनकी प्राइसिंग रेन वाइजर्स की प्राइसिंग एस्टीमेट है अपने पास 450 रूपए, ठीक है। उसके बाद ये डोर गार्ड लगे हैं, अच्छा, इसकी प्राइस है 350 रूपए। अच्छा, ये चीज दोस्तों, ये है फिंगर गार्ड। कई बार जैसे आप ऐसे खोलते हैं तो इसके ऊपर निशान लग जाता है, हाँ, हाँ, सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया। इसका मात्र सिर्फ 200 रूपए, चारों के 200 रूपए, ठीक है। अभी बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, बैक में आ जाते हैं तो फिंगर ये शार्क फिन एंटीना मान लो आप, ये आ गया है। इसका प्राइस है 1,200 रूपए, ठीक है, और बढ़िया कंपनी का लगा है। अच्छा अच्छा, ओके। उसके बाद पीछे आ जाते हैं तो पीछे ये चीज, ये सब ओरिजिनल कंपनी से ओरिजिनल। अच्छा, और इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं कंपनी से। पीछे की टेल लाइट और जला के दिखा दो, और बूट भी आप खोल देना। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, अंदर से ही खोलना पड़ता है ये बूट आपको बेस वेरिएंट में। नहीं, अभी नहीं जली, हाँ, अब जल गई। तो ये बेस वेरिएंट में LED लाइट आपको, LED लाइट है, बढ़िया लाइट है, हाँ हाँ, हाँ। छेड़छाड़ करवानी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अच्छा। उसके बाद पीछे देखा जाए तो पार्सल ट्रे लगी है, 2,000 रूपए इसका प्राइस है, ओरिजिनल टाटा की चीज लगी है। अच्छा। उसके बाद इधर देखे डिग्गी मैट कहते हैं पर इसको, हाँ, हाँ। देसी भाषा में ये लगा है, ये इसका प्राइस है अपना 1,200 रूपए, ठीक है। बाकी ये पंचर किट है या और एसेसरीज है ये अपनी कंपनी की तरफ से आती है, ठीक। उसके बाद ये जाली लगती है, हाँ, सन ग्लासेस कह लो आप या कुछ भी, ये जो सन शेड्स होते हैं ये अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ये अच्छी क्वालिटी है इनकी और स्नग फिट है एकदम। ये इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है मात्र 400 रूपए, ठीक है। अभी बार इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा। कंपनी की तरफ से हर चीज बढ़िया आई हुई है, ओके। कंपनी की तरफ से भी या एक मान लो भाई दुकान से लगवाया होगी, कंपनी की तरफ से बढ़िया। तो आपने ये सब काम वैसे करवाया कहाँ से है भाई? ये अपने यहाँ करवाया है, वैसे जींद रोहतक वगैरह तो इतनी बढ़िया है नहीं, इशार से करवाया है, इशार स्पेशल इनकी मार्केट है, हाँ, एशिया की, हाँ, सबसे बढ़िया मार्केट उधर है, बिल्कुल, सबसे बढ़िया काम उधर होता है। चलो अंदर से और बता दो आप क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलो भाई अंदर से और देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन है। अंदर से देखा जाए तो भाई जो ये पावर विंडो है ये कंपनी की तरफ से आती है, फ्रंट पावर विंडो है, ठीक है। अम्ब्रेला सेट है, बाकी ये जो ये तो कंपनी से है, बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
स्पीकर अपने बाहर से लगवाए हैं। अच्छा, ये बाहर से लगवाए हैं, स्पीकर भी बाहर से लगवाए हैं। स्पीकर लगवाए हैं अपने मेगा सोनी कंपनी के, और जो कंपोनेंट आता है वो भी साथ में लगवा लिया, क्योंकि जो बेस ट्यूब है उसका लगवाने का कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको बढ़िया प्राइस मिल जाएगी, जैसे इसका जो गारंटी वगैरह आता है 200 रुपए में कपलर डलता है, वो भी आ गया अंदर। जो इसका मैटिंग वगैरह होती है वो भी इसमें कंप्लीट आ गई उसमें, 6,500 रुपए की। उसके बाद इधर देखा जाए तो ये अपने सीट कवर हैं। सीट कवर काफी अच्छे हैं, आप फील करोगे ना, बहुत अच्छा टेक्सचर मुझे इनका लगा, तो ये टेक्सचर भी काफी अच्छा है इनका। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो ये सीट कवर है अपने 8,000 रुपए। एक तो आते हैं भाई बिना सिलाई के, एक होते हैं सिलाई के साथ, ये अपने सिलाई के साथ करवाए ताकि बढ़िया फिटिंग के साथ, बकेट फिटिंग वाले होंगे ना, बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, और इसके टेक्सचर की बात करें, लेदर है या सेमी लेदर है, कैसे? प्योर लेदर है। अच्छा, प्योर स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हर चीज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जैसे ये मैट है, ये कंपनी की तरफ से आया हुआ है, ये अपने चेंज नहीं करवाया है, क्योंकि ये भी अच्छी क्वालिटी का है। उसके यहाँ पे आपने फ्लोरिंग करवा रखी है ना सारी गाड़ी में, ये फ्लोरिंग करवा रखी है। अच्छा, ये देखोगे तो ये अभी आप लाइफ टाइम चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कंपनी की है, 1,300 रुपए में। अच्छा, उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग करवाई है, इसका प्राइस है 3,500 रुपए। अच्छा, बढ़िया चाबी भी आपने चेंज करवाई है, चाबी भी जैसे उन्होंने चेंज करके दे दी है, बाकी कंपनी से 3 चाबी आती है, और बढ़िया काफी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेदर रैप करवा लिया है लेदर से, ये स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है। हाँ, अभी चलते हैं दूसरी साइड। हाँ कमल भाई, इस तरफ से बताओ आप। इस तरफ से भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसे आपने मैट देख लिया। हाँ, वो तो सेम ही होगा, ये देख लिया। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपने चेंज करवा रखा है ना, ये काफी मतलब वही बात है, ये बढ़िया है। और जैसे आप एंट्री करते हैं तो इसकी स्क्रैच इसी पे लग के रह जाते हैं, स्क्रैचलेस वैसे है। सीट कवर आपने देख लिया, उसके बाद अंदर ये जैसे टच स्क्रीन है। हाँ, टच स्क्रीन दिखा दो आप, ये टच स्क्रीन है दोस्तों, मैं चला के अभी इसको चला के दिखाते हैं। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो, जैसे ये चार्जिंग सॉकेट है, ये बाहर से लगवाया है, कंपनी से ये आता नहीं है। एसी वगैरह मैनुअल है। हाँ, मैनुअल एसी आता है। अभी टच स्क्रीन देख लो, टच स्क्रीन काफी बढ़िया है। टच स्क्रीन का प्राइस है अपने पास यही कोई 4.5 भी है, 5 भी है, 7 भी है। और जो इसका ये गार्ड है ये अलग से आता है इसमें। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा और दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। आप इधर देख सकते हो, जैसे ये चश्मा वगैरह रखने के लिए है, लाइट सनग्लास होल्डर। हाँ, ये तो कंपनी से आती है। ये ऑन होगी आपकी टच स्क्रीन। अभी ये देखो टच स्क्रीन ऑन होगी है। हाँ, इसके जैसे कोई भी वीडियो देखते हैं आप चला के, इसकी आवाज देख लो आप। क्वालिटी तो सही है स्क्रीन की, हालांकि म्यूजिक की आपको बेस इतना रिच नहीं मिलेगा जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो बैकग्राउंड में भी चल जाता है। बिल्कुल ठीक है, टच स्क्रीन इतनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर चीज इसमें चलती है। अच्छा अच्छा, और रिवर्स पार्किंग कैमरा और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ये आप देख सकते हो भाई कितनी बढ़िया लुक दे रखा है आपको। हाँ ठीक है, एवरेज है क्वालिटी तो खैर इसकी। अच्छा, और बात कर लेते हैं, आर्मरेस्ट बाहर से लगवाया है ना ये भी? ये बाहर से लगवाया है, इसका प्राइस 1,400 रुपए है, कंपनी का ओरिजिनल लग गया है, बढ़िया है। उसके अलावा देख सकते हो आप, ये जो चार्जिंग सॉकेट है, ये तार वगैरह है, ये अपने को गिफ्ट में मिले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी इसका प्राइस कम से कम अगर आप बढ़िया लेते हो तो 450 रुपए के पास आसपास मिल जाता है। ओके ओके, उसके अलावा अंदर से ये सब हुआ है ना गाड़ी अंदर में से ये है। उसके अलावा आप अभी ये एटमॉस्फेरिक लाइट देख लियो। अच्छा ये देखो। अच्छा, हाँ यहाँ नीचे आप देख सकते हो कलर चेंज हो जाते हैं इसमें, आगे भी पीछे भी पूरी गाड़ी। इसके प्राइसिंग की बात करें इसका तो प्राइसिंग है मात्र 800 रुपए। अच्छा अच्छा,
तो फ्रंट से ये सब बदलाव करवाए हैं। ये है, ज्यादा कुछ चेंज छेड़छाड़ करवाई नहीं है, क्यों गाड़ी कंपनी की तरफ से ही बढ़िया फैसिलिटी मिल रखी है। ये भी जैसे आप सोचते हो भाई ये चेंज करवा लो, ये करवा लो, ये तो चेंज नहीं करवाने चाहिए क्योंकि वो चिपकाएंगे इसको। ये तो वैसे भी इंटीरियर अच्छा मिलता आपको नेक्सॉन का है। उसके अलावा जैसे अंदर देखे तो भाई ये अंदर से आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो ये इसमें पेन ड्राइव के स्लॉट्स है, क्योंकि बेस वेरिएंट में आते नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये है। और सीट की बात करूं सीट कवर की, तो काफी अच्छी आपको इसमें फिटिंग देखने को मिलेगी। पीछे से आप देख सकते हो तो पीछे कुछ ज्यादा चेंज है नहीं, बस सीट कवर है, नीचे मैटिंग है। अच्छा, बाकी अच्छा। पीछे से कुछ चेंज कवर मैं दिखा देता हूँ, पीछे भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं सेम ही है। पीछे भी सीट कवर आपको मिलेंगे कुछ ऐसे, और नीचे भी फ्लोरिंग करवा रखी है, तो पीछे से कोई बदलाव नहीं है गाड़ी में। आपको पावर विंडो चेंज मिलेगी। हाँ, ये आप पावर विंडो देख सकते हैं, ये पावर विंडो मैं आपको एक बार ये सनशेड खोल के दिखा देता हूँ। पावर विंडो इसमें लगवा रखी है। पावर विंडो की प्रायसिंग की बात करें तो 5,500 रूपए प्राइस। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ तक ग्लास चला जाता है इसका, और काफी बढ़िया कह सकते हो आप, इसका आपको लग गया कोई ज्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, तो ये सब काम था। बाकी मैं एक लिस्ट है भाई के पास, मैं वो उसकी भी आपको फोटो दिखा दूंगा उसमें कि कितने की इस गाड़ी में कॉस्टिंग आई है। इसमें एक और अच्छी बात है, बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पे ORVM पे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। तो लिस्ट की बात कर लेते हैं भाई एक बार। ये लिस्ट की बात करने से पहले जैसे इसमें कुछ चेंजेस और हैं, जैसे इसमें GPS भी लगवाया है। अच्छा और अच्छा, बढ़िया कंपनी का लगवाया है भाई। मान लो गाड़ी ऑन है या कुछ भी दिक्कत, तो आप अपने एक ऐप के थ्रू हाँ बंद कर सकते हो, तो आपकी गाड़ी चोरी होने से बच सकती है। ठीक है ठीक है, GPS भी काफी बढ़िया दे रखा है। अच्छा, तो लिस्ट और की बात करें, लिस्ट की बात करें तो यहाँ बोनेट पे रख दो ताकि पब्लिक देख भी लेगी अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये सब प्राइसिंग है गाड़ी की। तो थैंक यू सो मच कमल भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये जो मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशन भी आपने बढ़िया ली है। बाकी ये टाटा की जो नेक्सॉन है, ये आज के टाइम पे इतना मेरे को जाना है, मार्च में 15,000 गाड़ियां गई, बिल्कुल टॉप 10 सेलिंग कार में ये अपनी जगह बना ही लेती है। इंडियन आर्मी का अगर कोई भाई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कार ये है। अच्छा। इंडियन आर्मी वाले कोई ब्रेजा बताता है, कोई बलेनो, लेकिन सभी ने खरीदने के बाद सभी ने नेक्सॉन को ही बढ़िया बताया है। अच्छा अच्छा, उनके मुकाबले में ये गाड़ी सबसे बढ़िया। चलो, ओनरशिप एक्सपीरियंस में अलग से आपका हम ओपिनियन लेंगे कि क्या रीजन रहे जिनके चलते आपने नेक्सॉन को पिक किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच कमल भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।